बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत से गदगद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 6 बजे बीजेपी मुख्यालय जाएंगे। चुनाव नतीजों के बाद आज पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी कर सकते हैं। तो वहीं एनडीए में शामिल बीजेपी ने बिहार में 74 सीटों पर जीत दर्ज की है, तो बीजेपी ने सिर्फ 110 सीटों पर ही चुनाव लड़ा था। इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार विधानसभा में एनडीए को मिली जीत के लिए बिहार की बहन बेटियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि बिहार की बहनों बेटियों ने इस बार रिकॉर्ड संख्या में वोटिंग कर दिखा दिया है कि आत्मनिर्भर बिहार में उनकी भूमिका कितनी बड़ी है। हमें संतोष है कि बीते वर्षों में बिहार की मातृशक्ति को नया आत्मविश्वास देने का एनडीए को अवसर मिला। ये आत्मविश्वास बिहार को आगे बढ़ाने में हमें शक्ति देगा। बिहार की जनता को आश्वासन देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हर व्यक्ति व हर क्षेत्र के संतुलित विकास के लिए राजग पूरे समर्पण से निरंतर काम करता रहेगा। उन्होंने कहा, बिहार के गांव गरीब, किसान, श्रमिक, व्यापारी, दुकानदार, हर वर्ग ने राजग के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मूल मंत्र पर भरोसा जताया है। बिहार विधानसभा की 243 सीटों में से प्रदेश में सत्ताधारी एनडीए ने 125 सीटें जीत ली हैं और बहुमत का जादुई आंकड़ा प्राप्त कर लिया है। तो वहीं विपक्षी महागठबंधन ने 110 सीट जीती है। नेशन न्यूज की रिपोर्ट।